नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। दिन के 9:30 बज चुके हैं और ये वक्त होता है बाजारों के खुलने का। आज एक बार फिर से शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसी तेजी है, वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से बाजारों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है, क्या ये वैश्विक फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, या फिर स्ट्रेंथ है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्टॉक मार्केट को भी हवा दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम नज़र डालेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि नए इकॉनमी में या नई सरकार में आप कहें तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर किस तरह से आगे का फोकस होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। भारत में रिटेल महंगाई दर 12 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। मई माह में रिटेल महंगाई दर 4.75% के स्तर पर, खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अब भी 7.9% पर बरकरार। अप्रैल में 4.83% पर थी रिटेल महंगाई दर। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं किया। फेड ने सर्वसम्मति से अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 5.25 से 5.5% के बीच रखा बरकरार। ये लगातार 7वीं बार है जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। इस साल सिर्फ एक बार कटौती के दिए संकेत। अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया। यूरोजोन में अब ईवी ड्यूटी 38% से ज्यादा होने के बाद अब चीन के फैसले का इंतजार। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई के जंग को जारी रखते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 7वीं बार है जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25 से 5.5% के बीच रखने का फैसला लिया है। यूएस फेड के सदस्य इस साल सिर्फ एक बार दरों के कटौती के पक्ष में हैं। फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इकॉनमी ग्रोथ की दर अच्छी हो रही है, महंगाई घट रही है, लेकिन अब भी ये लक्ष्य से बहुत ज़्यादा है। गौरतलब है कि अमेरिका में महंगाई के ताज़ा आंकड़े 3.3% दर्ज किए गए हैं और अगर ब्याज दरों की बात करें तो 0.25% की कटौती का अनुमान अमेरिका में लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरें स्थिर हैं। My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. इधर भारत में भी लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आई। खुदरा महंगाई दर में बीते महीने मई में गिरावट दर्ज की गई। महंगाई दर गिर करके 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यानी मई में खुदरा महंगाई दर घट करके 4.75% पर आई, जो अप्रैल 2024 में 4.83% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69% रही, जो अप्रैल में 8.7% से थोड़ा सा कम है। हालांकि मई महीने में सब्जियों की कीमतें अप्रैल की तुलना में ज़्यादा रहीं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी महंगाई दर में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 5.43% से घटी 5.28% पर रही और शहरी क्षेत्रों में 4.15% रही है। इस महीने की शुरुआत में RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान लगाया था। RBI को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में महंगाई दर 4% के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ खनन और बिजली क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के चलते देश के वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने यानी अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन दर 5% की दर से बढ़ी है, जो बीते वर्ष 4.6% थी। NSO की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अप्रैल 2024 में 3.9% बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में ये 5.5% था। इस साल अप्रैल में खनन उत्पादन में 6.7%, बिजली उत्पादन में 10.2% की ग्रोथ हुई है। इन दोनों ही क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से कुल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है।
और अब बाजारों का हाल इस वक्त देख लेते हैं। बाजारों ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिलने शुरू हो गए थे। आइए देखते हैं आपको गिफ्ट निफ्टी एक कौन से स्तर पर आज बढ़त के संकेत मिले। 23,465 का स्तर गिफ्ट निफ्टी से संकेत 20 अंक ऊपर, और आज गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए निफ्टी में बढ़त दिखाई दी। आज शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही ऑल टाइम हाई के साथ खुले। 76,959 का स्तर 363 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी 50 93 अंक ऊपर कारोबार इस वक्त कर रहा है। 115 अंक ऊपर खिला 23,438 के स्तर पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी करीब 0.25% की बढ़त दिखाई दे रही है। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर के सारे सेक्टर्स इस वक्त फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। जहां पर फ़ायदा है निवेशकों को, टॉप गेनर्स आज के हम बताएं। HDFC लाइफ 3% से ज़्यादा ऊपर, डिवाइस लैब 2.8%, नेस्ले इंडिया 1.6%, श्रीराम फाइनेंस 1.5%, विप्रो में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। आज टेक काउंटर्स तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूजर्स में आज ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो FMCG क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.4% नीचे, ब्रिटानिया में 1.1%, टाटा कंज्यूमर्स, सिप्ला और बजाज ऑटो में इस वक्त गिरावट दिखाई दे रही है। ONGC में भी 0.3% की गिरावट स्पष्ट नजर आई। अमेरिका में डाउजोन्स फ्यूचर्स 43 अंक नीचे 38,668 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। S&P 500 45 अंक ऊपर और नैसडैक में 264 अंकों की बढ़त आज सुबह के कारोबार में दिखाई दी। वायदा कारोबार के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और अगर एशियाई बाजारों में देखें तो इस वक्त फ्लैट कारोबार दिखाई दे रहा है। 45 अंक नीचे निकी, हैंगशेंग 88 अंक ऊपर और कॉस्पी में 34 अंकों की बढ़त आज के शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में दिखाई दी। कच्चे तेल के दाम $82.28 प्रति बैरल के स्तर पर दिखाई दिए। बाजारों में जो सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम हैं उनको लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। और जो कैबिनेट का फैसला आया 3 करोड़ घर बनाने का, उसके बाद जो हाउसिंग कंपनियां हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासतौर पर फोकस बाजार में दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकॉनमी टुडे। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Ghutna, kandha ya kamar, chahe jaisa ho dard, Dr. Ortho aapko deta hai dard se puri azadi. Ye koi temporary painkiller nahi, Ayurvedic aushadhi. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। माइनिंग और बिजली सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस साल अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 5% बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक गतिविधियों का सूचक माने जाने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल महीने में 5% की दर से बढ़ा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 4.6% बढ़ा था। FMCG प्रमुख नेस्ले इंडिया अपनी स्विस मूल कंपनी सोसाइटी डेस प्रोड्यू इट्स नेस्ले SA को 4.5% की मौजूदा दर से सामान्य लाइसेंस शुल्क या रॉयल्टी का भुगतान जारी रखेगी। कंपनी के बोर्ड ने अपनी मूल कंपनी को 4.5% की मौजूदा दर पर रॉयल्टी का भुगतान जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मई में रॉयल्टी भुगतान बढ़ाने की कंपनी के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने खारिज कर दिया था। सरकार खिलौना निर्माण के क्षेत्र में रोजगार की उच्च संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। यह उद्योग को समर्थन देने के लिए हाल के महीनों में उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाएगा, जिसमें विदेशों से सस्ते उत्पादों की आमद को रोकने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी और आयात के लिए गुणवत्ता मानदंडों को कड़ा करना शामिल है।
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी जीवन बीमा उत्पादों में ऋण की सुविधा अनिवार्य कर दी है। इससे पॉलिसी धारकों को नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में सभी रेगुलेशन को एकीकृत करने वाले मास्टर परिपत्र को जारी करते हुए इरडा ने कहा कि फ्री लुक अवधि अब 30 दिन है, पहले अवधि 15 दिन थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत तेल की मांग में वृद्धि का दुनिया का नेतृत्व करेगा। IEA की रिपोर्ट ऑयल 2024 में भारत की तेल खपत में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में भारत की तेल मांग 2023 और 2030 के बीच 13 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ने का अनुमान है, जो 2030 तक 67 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी। SpaceX के CEO एलन मस्क का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब 100 देशों में मौजूद है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अफ्रीका का सियेरा लियोन इस सूची में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। यह स्टारलिंक से जुड़ने वाला 10वां अफ्रीकी देश है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयरों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर में तेजी की वजह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा बताया जा रहा है। यह लगातार तीसरा सत्र है जब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन शेयरों में तेजी देखी जा रही है। इस योजना की शुरुआत के बाद से 4.21 करोड़ से ज्यादा घर बनाने के लिए सरकार मदद दे चुकी है। एप्पल बुधवार को एक बार फिर दुनिया के सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को टॉप से हटाकर यह स्थान हासिल किया। एप्पल को AI टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है, जिसकी वजह से एप्पल की साख में और सुधार हुआ है। इसके शेयर लगभग 2% उछलकर रिकॉर्ड $211.75 पर पहुंच गए, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन $3.25 ट्रिलियन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3.24 ट्रिलियन रहा, जो 5 महीनों में पहली बार एप्पल से पीछे हो गया। वित्तीय आसूचना इकाई ने एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना आतंकवाद रोधी कमांडो बल NSG के नाम पर एक धोखाधड़ी वाला खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और उसकी जानकारी देने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने में विफल रहने को लगाया गया है। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। पिछली अधिसूचना में इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण बढ़त की गति चालू वित्त वर्ष में कम होकर 12-14% तक रहने की उम्मीद है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज और इसकी भारतीय इकाई ICRA के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी ऋण बढ़त में नरमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि ऋण वृद्धि यानी बैंकों से लिए गए ऋण के कुल मूल्य में बढ़त कम होने के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट के साथ स्थिर क्रेडिट रेटिंग के आधार पर घरेलू फंडिंग को जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के फोकस की। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में कमान संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर साल 2024-25 में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि एप्पल ने चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में ही 2 बिलियन एक्सपोर्ट के दायरे को पार कर लिया है, जो कुल उत्पादन का 81% है। बता दें कि अब तक 2 महीनों में एप्पल ने $2.6 अरब का मोबाइल उत्पादन किया है। PLI स्कीम के तहत एप्पल ने इस साल $10 अरब के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिसका 25% केवल 2 महीनों में ही हासिल किया गया। बीते साल एप्पल ने भारत से $14 अरब के उत्पादन और $10 अरब के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल किया था। IT मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वैल्यू चेन की दूसरी बड़ी कंपनियां भी PLI योजना के तहत आईटी हार्डवेयर सेक्टर में निवेश बढ़ाने जा रही हैं। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खासा फोकस होने जा रहा है, साथ ही बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिसको अगले 5 साल में सुधार के तौर पर लागू किया जाना है, और उसमें कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। उस पर हम बात करेंगे प्रसून शर्मा, जो कि CEO हैं WS के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं WUS के। प्रसून शर्मा, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो कंटिन्यूटी दिखी है IT इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, उसको आप लोग एज अ इंडस्ट्री कैसे देख रहे हैं? जी अजय जी, ये एक बहुत मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं इंडस्ट्री के लिए कि स्टेबल गवर्नमेंट है और लगातार 15 साल से एक ही मिनिस्टर है, तो और प्राइम मिनिस्टर है स्पेशली। और बात करते हैं भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन प्रति वर्ष $100 बिलियन का है जी। और लगभग 200 से 250 बिलियन USD का सॉफ्टवेयर उत्पाद होता है भारत में। इंडियन स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री चाहते हैं कि ये सेक्टर अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन का तक बढ़ जाए।
और इसी ओर सारे लोग कार्यरत हैं और नई सरकार और मंत्री के आने पे अब आशाएं और बढ़ गई हैं। अगर आप देखें पिछले एक दशक में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ मिली है भारत को, और इस दौरान भारत में कुल 50 अरब फोन मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसके साथ साथ मोबाइल के साथ भारत आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। अब हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 2026 तक $300 अरब तक पहुंचाना है। जी जी, और इससे देश में तकरीबन 90 से 100 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर की मांग पैदा होगी, जो हमारा जो नेशनल मिशन है सेमीकंडक्टर का उसको बूस्ट करेगा और उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत के उद्योगपति, इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स सब इस उद्देश्य के साथ जुड़े। और दूसरे कुछ बड़े प्रोत्साहक फैक्ट्स हैं, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है पिछले 10 सालों में तकरीबन 400% की वृद्धि देखी है इसमें। लेकिन प्रोफेसर, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी जो ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें शामिल होने के लिए आपको लोकल आउटसोर्सिंग की ज़रूरत होगी? क्या कंपनियाँ तैयार हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय कंपनियां तैयार हैं उस पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी हिस्सेदारी बताने के लिए? कोई आएगा, असेंबल करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, उससे चलिए जॉब्स तो आप क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल आप आईटी हार्डवेयर पर जब तक फोकस नहीं करेंगे और एमएसएमई से सोर्सिंग शुरू नहीं करेंगे और कंपनियाँ भी उतनी काबिल नहीं होंगी कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन को सप्लाई कर पाएँ, तब तक आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। केवल बड़ी कंपनियों पर, एक दो बड़ी कंपनियों पर डिपेंडेंट रहना शायद सेक्टर के लिए बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता। जी अजय जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और अगर आप हमारा घरेलू बाज़ार देखें, अगले 5 सालों में ये 65 अरब से बढ़कर $180 अरब का होने जा रहा है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में। और हमारे एमएसएमईज भी काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं, और एमएसएमईज ने एक हमारे मिनिस्टर से ये मांग भी करी है कि PLI रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे और वियरेबल्स और हेयरेबल्स, वियरेबल्स में जैसे ये हेल्थ वॉचेज और हैं, और ऑडिबल्स जैसे आपके ईयर प्लग्स और ये सब हैं, जैसे बड़ी कंपनीज बोर्ड जैसे काम कर रही हैं, तो अगर उनको भी PLI रिलेटेड सपोर्ट मिला तो इससे 300 से 400 गुना वृद्धि होगी हमारे MSME मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में अगले 5 से 7 सालों में। प्रसून, अगर स्किलिंग पर फोकस करना है तो हमें क्या करना होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ही 2 से 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जो स्किल गैप है उस हिसाब से शायद पूरा कर पाना मुश्किल होगा, तो स्किल्स पे कैसे फोकस किया जाए? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, वो पुराने पाठ्यक्रम में पढ़ाए नहीं जाते हैं, इंडस्ट्री की ज़रूरत कुछ और है, ये जो गैप है बड़ा इंपॉर्टेंट गैप है उसको कैसे फिल किया जाएगा? जी, मैं उससे पार्शली एग्री करता हूँ आपसे। अगर आप देखिए सेमी कंडक्टर में जो डिज़ाइन होता है, ग्लोबल चिप्स जो डिज़ाइन होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं, 35% भारत में ही होते थे पहले, पर हाँ जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिलिकॉन इंजीनियरिंग से लेके और उनके जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ IIT गांधीनगर और बाकी IITs के साथ मिलके सरकार ने जो एक एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए हैं और उसमें जो ट्रेनिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं, पर हाँ गैप है, हमें काफ़ी इंजीनियर्स चाहिएंगे डायरेक्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से और उसके रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तकरीबन हमें 5 से 10 लाख इंजीनियर्स चाहिएंगे अगले 5 से 7 साल में। अब थोड़ा स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप्स को लेकर के, स्टार्टअप्स को इस वक्त क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जब इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं? कैसे अपना आपको वो स्केल अप कर पाएंगे या फिर आगे की राह क्या दिखती है खासतौर पर टेक सेक्टर में? टेक सेक्टर में खासकर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स को थोड़ा और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर रिलेटेड स्टार्टअप्स को पहले प्रोडक्ट बनाने में 1 से 2 साल लगते हैं, फिर उसको मार्केट टेस्ट करने के लिए 1 और साल लगता है, तो 3 से 4 साल लगते हैं एक स्टार्टअप को जो कि हार्डवेयर ओरिएंटेड है और हाईटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और उसके साथ साथ उनको रियल प्रोजेक्ट्स भी मिलने चाहिए, जैसे डिफेंस सेक्टर में एक IDEX करके प्रोग्राम चल रहा है जिसमें काफ़ी स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया है। ऐसे ही बाकी कंज्यूमरेबल
सेक्टर्स, और इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और कुछ स्टार्टअप्स ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं सरकार की सपोर्ट से, जैसे ग्रांट इकोसिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से। अगर हमें पेटेंट लेना पड़ता है तो उसकी भी ग्रांट या सपोर्ट दी जाती है भारत सरकार से, पर अब प्रोजेक्ट्स रिलेटेड सपोर्ट भी मिलना चाहिए, खासकर टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको दिक्कत होती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। तो वो अगर प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमारी एमएसएमई और जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में जो इंडस्ट्री या जॉब रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें 70-80% स्टार्टअप्स अब जो रजिस्टर हो रहे हैं वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ से हो रहे हैं। तो ये इसके मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर इनको प्रोजेक्ट्स मिले स्टेट गवर्नमेंट से लेके स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट तक। इसमें कुछ प्रयास ऑलरेडी हो रहे हैं, जैसे ई जेम के थ्रू अब स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको रजिस्टर करने का, पर फिर भी उसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो है। तो अगर ये रहेगा तो स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, क्योंकि वो डिमांड करेंगे हाई इंटरनेट की, और वो डिमांड करेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें वो कनेक्टिविटी बढ़ा सके, चाहे रोड या एयरपोर्ट की हो, क्योंकि उनके क्लाइंट्स बाहर से आएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा शहर है बीकानेर राजस्थान में, वहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके क्लाइंट्स जर्मनी नीदरलैंड्स और वहाँ से आते हैं। तो वो जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसको भी बूस्ट करता है, वहाँ का एयरपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इंट्रानेट। तो आई थिंक ये एक मेजर बूस्ट होगा अगर स्टार्टअप जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उससे अगर सरकार से मदद मिले तो। कुछ आपको लगता है कुछ स्टेट्स, जैसे आपने बीकानेर का जिक्र किया, अभी आंध्र प्रदेश में नई सरकार आई है, चंद्रबाबू नायडू साहब को माना जाता है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया आंध्र प्रदेश को जब संभालते थे वो, तो आपको लगता है कुछ नए स्टेट्स अब इमर्ज हो सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं पूरे आईटी सेक्टर में अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए? जी, चंद्रबाबू नायडू से काफ़ी लोगों को, खासकर टेक रिलेटेड सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं एंड वो बड़े पॉजिटिव वे में, जैसे उन्होंने पहले सबसे पहले इनोवेशन सोसाइटी स्टार्ट की थी अपनी लास्ट गवर्नमेंट में, और एक इंक्यूबेशन की जो एक चेन उन्होंने खड़ी करी थी। तो हमें लगता है कि अब बहुत बड़ा बूस्ट होगा खासकर हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए, और चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि उनकी जो ड्रीम सिटी अमरावती में एक बड़ा सिलिकॉन वैली स्टाइल स्टार्टअप हब बने। और मुझे लगता है कि अगले एक से पहले 100 दिन में ही हमें ये अनाउंसमेंट्स सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो बड़े बुलिश है टेक रिलेटेड इकोसिस्टम और स्टार्टअप रिलेटेड इकोसिस्टम से। चलिए फाइनली मेरा सवाल आपसे होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरी दुनिया में इसको लेकर के बात हो रही है, उसको लेकर के नया ड्राफ्ट शायद कानून भी उस पर हम काम कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की खासतौर पर इस नए सेक्टर के लिए? AI रिलेटेड जो ये ड्राफ्ट है ना सिर्फ इंडस्ट्री, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए G7 में भी जो आउटरीच सेशन है AI का उसमें भारत को बुलाया गया है, तो ये हमारी इन्फ्लुएंस और कैपेबिलिटी दर्शाता है। तो इससे हमें खासकर उम्मीद ये है कि जो भारत जो है टॉप डेटा प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इस दुनिया में सिर्फ दो ही देश है जिनकी 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, वो है भारत और चीन। और जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, आगे आने पर डेटा प्रोड्यूसिंग नेशंस विल बी अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर AI रिलेटेड सॉल्यूशंस, और भारत उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज जो हमने कोविड में या कोविन ऐप से किया, तो वो जो डेटा है उसको रेगुलेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खुद के स्टार्टअप्स और हमारी होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को मिले, तो बहुत बेहतर AI सॉल्यूशंस हम निकाल पाएंगे, क्योंकि जब भारत बनाता है वो पूरे विश्व के लिए बनाता है। बिल्कुल, चाहे वो फार्मेसी हो चाहे वो टेक हो, जब दुनिया को जरूरत पड़ती है तब भारत वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रसून जी, कि जो भारत का मॉडल है वो पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, बल्कि और जबकि जो दूसरे वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ पर बेस्ड होती हैं और प्रॉफिट पर फोकस करती है। बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही आज इकॉनमी टुडे में चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे देखिए समाचार मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।